भाई मजा आ गया यहाँ पर। लीक पार्ट हनी पाजी का जो गड्डी सोख देगा हमने सुना, उसमें जो क्या ऑडियो था कमाल का था, अगर ये गाना रिलीज होएगा तो मजा आ जाएगा। इस तरह के कमेंट, इस तरह के डीएम और इस तरह की चर्चा यहाँ पर हमने देखने को मिली, सुनने को मिली। लेकिन उनके लिए एक न्यूज है, आपने वो जो ऑडियो सुना था वो बिल्कुल फेक था हनी पाजी की। उसमें ना कोई वॉइस है ना म्यूजिक हनी पाजी का, और उस गाने से कोई लेना देना दूर दूर तक, क्योंकि वो किसी और आर्टिस्ट का गाना है, हनी पाजी का गाना नहीं है। वो हनी पाजी की जो क्लिप थी यहाँ पर वो रियल क्लिप थी, और हनी पाजी के दो गाने शूट हुए हैं यहाँ पर बाहर, वो भी रियल बात है, ये क्लिप भी रियल है। लेकिन इसके पीछे जो गाना बजाया गया है, गाना मतलब कि एडिट कर गाना डाला गया है, वो हनी पाजी का गाना है नहीं, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। देखो पहले आप इस क्लिप को सुनिए गड्डी शोक दी करके, अगर हेडफोन नहीं लगाए तो हेडफोन लगा लीजिए, ज्यादा समझ में आ जाएगा। पहले इस गाने का म्यूजिक और लिरिक्स सुनिए। अब आप सुनिए, आज से 2 साल पहले हनी पाजी का गाना आया था गड्डी नीवी। तो गड्डी नीवी जब गाना रिलीज हुआ था, तो रिलीज होने से पहले भी उसके लिए ऐसी बातें कही गई थी कि भाई गड्डी नीवी लीक हो गया, तो उस पर भी एक क्लिप सेम ऑडियो के साथ, जो गड्डी सोगदी के अंदर सेम ऑडियो, उसी सेम ऑडियो के साथ यहाँ पर गड्डी नीवी पर भी वो सॉन्ग लगाया गया था। पहले आप वो भी सुनिए। गाइज आपने ये चीज सुन ली, तो ये चीज तो अब कंफर्म हो गई कि हनी पाजी का जो एक गाना है वो हनी पाजी का गाना नहीं है, वो किसी टैमूर करके या फिर कमल राजा करके जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है उसका गाना बताया जा रहा है, और शायद उसका ही गाना है। एंड यहाँ पर हनी पाजी के इस गाने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो क्लिप है वो हनी पाजी की है, रियल क्लिप है, एंड हनी पाजी का शूट चल रहा है उसकी ही क्लिप है। लेकिन उसके पीछे का जो ऑडियो है वो हनी पाजी का नहीं है, वो बिल्कुल फेक है, वो किसी और आर्टिस्ट का है, तो हनी पाजी का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक और सवाल मेरे पास जो आएगा वो ये भी आ सकता है कि भाई हो सकता है हनी पाजी का पुराना गाना हो, उसको शूट कर रहे हो, हनी पाजी ने पुरानी क्लिप भी डाली थी इंस्टाग्राम पर 2013 वाली, तो ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन ग्रो 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 ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हनी पाजी ने गिल एंड रोनी को भी यहाँ पर मेंशन किया था, और गिल और रोनी यहाँ पर हनी पाजी के न्यू मेंबर है। तो हनी पाजी का जो गाना है डेफिनेटली मैं लिख कर देता हूँ गिल एंड रोनी ने ही लिखा है, तो उससे भी कोई कंपेरिजन मत करना आप यहाँ पर, पुराने गाना या फिर नए गाना करके मत कर देना कमेंट में, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लीक पार्ट है हनी पाजी का वीडियो के तौर पे वो रियल है, लेकिन ऑडियो के तौर पर बिल्कुल ही फेक है। साथ यहाँ पे डेली चार्ट यहाँ पर आप जाकर देखोगे स्पॉटिफाई पर, तो हनी पाजी 9 नंबर पर आएंगे, यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला 11 नंबर पर आएंगे, और यहाँ पर बादशाह 38 नंबर पर आएंगे। जो लोग बोल रहे थे कमबैक नहीं हो रहा, तो 38 नंबर पर पड़े हैं। स्पॉटिफाई की मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पर तो हनी पाजी ने तहलका मचा दिया है, मैं बात कर रहा हूँ स्पॉटिफाई पर। तो हनी पाजी की जब से एल्बम गई है हनी 3.0 करके, उस पर सारे गाने गए, तब से हनी पाजी स्पॉटिफाई पर भी मचा रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। और हनी पाजी के कट्टर फैन हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे अपडेट या फिर यूनिक अपडेट के लिए। लव यू आज के लिए इतना है, अपना ख्याल जरूर रखना। लव यू, जय हिंद एंड जय भारत।